जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और आज का मेरा जो ये वीडियो होने वाला है दोस्तों, ये होने वाला प्रमोशन पर है। मतलब एसएससी जीडी के जो जवान भर्ती होते हैं, जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, तो दोस्तों इनमें जो डिपार्टमेंटली एक तो होता है प्रमोशन एग्ज़ाम, एक होता है प्रमोशन जो ऑटोमेटिकली होता है जिसमें आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस प्रमोशन के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो प्रमोशन कब होता है, कौन से डिपार्टमेंट में कब होता है और कितने साल का टाइम लग जाता है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं दोस्तों। जो उस प्रमोशन होते हैं उससे कितनी पेमेंट बढ़ती है और कितने फ़ायदे होते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो में पूरी की पूरी हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप एसएससीजीडी की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत ही जानकारी ज़रूरी है, और अगर आपका नंबर आने वाला है तो भी आपके लिए ये जानकारी ज़रूरी है दोस्तों। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, और जिन लोगों ने चैनल पे नए आए हो सब्सक्राइब कर ले, और मैंने एसएससीजीडी से संबंधित फिजिकल हार्ड ट्रेनिंग संबंधित बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं, तो आप जाके ज़रूर देखिए दोस्तों। तो अब अगर हम बात करें दोस्तों कि प्रमोशन कैसे होते हैं डिपार्टमेंटली और क्या उनका रूल्स होते हैं डिपार्टमेंटली जो प्रमोशन होते हैं उनके, एक तो एग्ज़ाम वाला हो गया जिसके लिए मैंने बता दिया कि एलिजिबल, एक इसके बारे में मैंने पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है कि कौन कौन एलिजिबल होता है और कैसे कैसे होता है, बताया था। एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि कम से कम आपको 3 साल की सर्विस होनी चाहिए दोस्तों, वो भी ट्रेनिंग के बाद ही, तब आप डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हो। अगर आप हेड कांस्टेबल का दे रहे हो तो उसके लिए 12th पास चाहिए, और अगर आप एसआई का दे रहे हो तो डिपार्टमेंटली, अगर एसआई का दे रहे हो सब इंस्पेक्टर का, तो आपकी ग्रेजुएशन कम्प्लीट होनी चाहिए दोस्तों। इसमें आपको सीधा सीधा कईयों को ये भी नहीं पता होता, इसमें सर्विस के भी पॉइंट मिलते हैं दोस्तों, ये कईयों को नहीं पता होगा। जब डिपार्टमेंटली जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें सर्विस के भी पॉइंट मिलते हैं। कैसे? जिनकी 8 साल से ऊपर सर्विस होती है उनको 20 अंक फ्री के मिलते हैं दोस्तों, 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे आपसे ज़्यादा। जिनकी 5 से 6 साल सर्विस होती है उनको 16 नंबर, जिनकी 4 से 6 साल मतलब 5 से 6 साल होती है उनको 12 नंबर, और जिसकी 4 से 6 साल होती है उनको 8 नंबर। इस प्रकार से सर्विस के अनुसार भी उनके उस एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं पीटीआई को, अगर कोई पीटीआई कोर्स किया हुआ है कंप्लीट तो उनको 20 नंबर एक्स्ट्रा तक मिलते हैं दोस्तों। कमांडो कोर्स के भी मिलते हैं कई डिपार्टमेंट में, कईयों में अभी नहीं मिलते हैं दोस्तों, कई डिपार्टमेंट में कमांडो कोर्स के भी इन एग्ज़ामों में नंबर मिलते हैं दोस्तों। ट्रेनिंग से इन एग्ज़ामों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। हाँ, लेकिन अगर इन एग्ज़ामों को आपको देना है तो आपका जो रिकॉर्ड है बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, मतलब आप 3 साल की जो सर्विस है उसमें आपको कोई भी पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। अगर आप पनिशमेंट या ओएसएल की जैसी कोई गलती करते हो तो इन एग्ज़ामों को आप नहीं दे पाते हो। ओएसएल का मतलब है कि आप जैसे महीने भर की छुट्टी गए, 2-3 महीने घर पर रह गए और फिर आपकी छुट्टियां ओएसएल हो गए, आप आए नहीं टाइम पर, डिपार्टमेंटली आप पर कोई भी कोई कार्रवाई हो जाती है, तो फिर इस कंडीशन में भी आप ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं होते दोस्तों। तो इन एग्ज़ामों के लिए मैंने बता दिया है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो प्रमोशन होता है ऑटोमेटिकली वो किस प्रकार होता है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं सीआरपीएफ में प्रमोशन की प्रक्रिया बता दूं दोस्तों। सीआरपीएफ में अभी प्रेजेंट टाइम में एक कांस्टेबल को हौलदार बनने में कम से कम 17 साल का समय लग रहा है, मतलब मिनिमम कम से कम टाइम बता रहा हूँ, कम से कम मतलब जो फिती आपने देखी होगी 3 इधर 3 इधर, मतलब हौलदार जिसको बोलते हैं, एससी हेड कांस्टेबल मुख्य आरक्षी जिसको बोलते हैं उसको, मतलब बाय प्रमोशन मतलब धीरे 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 बनने के लिए कम से कम 3 साल का, मतलब सॉरी 3 साल का नहीं 17 साल का वक्त लग रहा है दोस्तों। 17 साल में भी अगर उसने कोई गलतियां नहीं की है, प्लस उसका जो फिजिकल मेडिकल फिटनेस है वो बिल्कुल मतलब अप टू डेट है, मतलब जो मेडिकल रिक्वायर्ड होती है वो बिल्कुल सही है, तो उसके बाद में उससे वो कोर्स कराया जाता है प्रमोशनल कोर्स। अगर उसमें वो सही रूप से पास होता है तो ही उसको प्रमोशन दिया जाता है। अगर वो कोर्स करने में ना समर्थ होता है, मतलब नहीं कर पाता है, तो वो हवलदार नहीं बनता दोस्तों। तो इसलिए फिटनेस बहुत ज़रूरी है, फिटनेस मतलब आपको मजबूरन भी फिट रहना ही पड़ेगा फौज में अगर आपको प्रमोशन चाहिए। अगर आपको प्रमोशन नहीं चाहिए तो अगर आप कांस्टेबल मतलब एज ए सिपाही ड्यूटी करना चाहते हो तो कर सकते हो दोस्तों। तो ये सीआरपीएफ में इतना टाइम लगता है। अब आप बोलोगे सीआईएसएफ में इनमें, तो सभी में ज़रूरी नहीं है कि 17 साल, 20 साल, 18 साल, 11 साल ही लगे, सभी में अलग अलग होता है, डिपार्टमेंट का अपने ऊपर होता है। जैसे सीआरपीएफ, सीआईएसएफ या बीएसएफ में ये प्रमोशन थोड़ा सा जल्दी होता है क्योंकि सीआरपीएफ में कांस्टेबलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ऊपर रैंक वाले थोड़ा सा कम है, लेकिन कई डिपार्टमेंट में ऐसा होता है कि ये प्रमोशन मतलब 13-14 साल में ही हौलदार में बन जाते हैं। तो वो उन डिपार्टमेंट में जो पहले से चलता आ रहा कंटिन्यू बेच वाइज, जिस बेच से में जितने लिए गए हैं उस बेच से, अब आपको पता है सीआरपीएफ में जैसे हर बार वैकेंसी बहुत बड़ी होती है, इसीलिए
हवलदार बनाने के लिए प्रोसेस होती है उसमें इतना टाइम लगता है, लेकिन सभी डिपार्टमेंट में इतना टाइम नहीं लेता है। मुझे 17 साल सबसे ज़्यादा टाइम है। अब बाकी जो BSF CISF इनमें ये टाइम में कम ही लगता है दोस्तों हवलदार बनने के लिए। फिर हवलदार से ASI बनने के लिए कम से कम 8 से 9 साल की सर्विस चाहिए दोस्तों। अभी प्रेजेंट टाइम को मैं बता रहा हूँ, हवलदार से ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने के लिए कम से कम 8 से 9 साल की सर्विस चाहिए, तभी आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन पाओगे। फिर उससे सब इंस्पेक्टर बनने के लिए प्रमोशन के लिए भी 6 से 7 साल की आपकी सर्विस चाहिए, तभी आप सब इंस्पेक्टर बनते हो दोस्तों। और सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बनने के लिए भी 6 से 7 साल की सर्विस अगर आपकी कंप्लीट हो जाती है तब आप इंस्पेक्टर बन सकते हो। यानी कहने का मतलब आप एज ए कॉन्स्टेबल आते हो तो अब आप 35 साल की अगर सर्विस करते हो तो उसमें आप देख लीजिए, पहले 17 साल में हेड कॉन्स्टेबल, फिर उससे 9 साल प्लस कर लीजिए, 17, 9, 26 साल, 26 साल में ASI, 26 और 6, अगर कम से कम 6 साल मान के चले 26 और 32 साल में आप 26 साल में ASI बन गए और 32 साल में आप SI, मतलब आपकी 32 साल सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो आप SI बन जाते हो। मतलब आप एज ए कॉन्स्टेबल अगर ज्वाइन करते हो तो अगर आप 32 से 33 साल सर्विस करते हो तब तक आप सब इंस्पेक्टर यानी 2 सितारे कंधों पर लगा लेते हो। अगर बिना किसी एग्ज़ाम दिए भी अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी देते हो तो वो सितारे आपके कंधों पर लग जाता है। और हर एक जैसे ही आप जैसे कॉन्स्टेबल से हवलदार बनोगे तो आपको हवलदार की पे मिलेगी। लेकिन साथ में बता दूं दोस्तों, क्योंकि कॉन्स्टेबल से हवलदार बहुत लेट बनता है इसलिए आपकी हवलदार की जो पे होती है, मतलब जो हवलदार का जो पैसा होता है बेसिक पैसा, वो आपको जैसे ही आपकी 10 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी उसी दिन से आपको हवलदार की पे लग जाती है दोस्तों। मतलब पेमेंट आपको हवलदार के बराबर मिलने लग जाता है जब आपकी 10 साल की नौकरी हो जाती है, बेसिक पेमेंट। बाकी तो नौकरी के हिसाब से आपकी पेमेंट बढ़ती रहती है, तो जिसकी जितनी साल सर्विस ज़्यादा होगी उसकी उतनी ही पेमेंट ज़्यादा होगी। तो मतलब 10 साल बाद में ही आपको हवलदार की पेमेंट मिलने लग जाती है दोस्तों। और तो कहने का मतलब अगर आप 32 से 33 या 34 साल सर्विस करते हो तो आप सब इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट जा सकते हो। हाँ, पहले ये भी होता था डिपार्टमेंट में कि अगर आप कोई अच्छा अचीवमेंट लेते हो तो आपकी रैंक प्लस हो जाती थी। मतलब अगर आपने कोई जैसे नक्सलवादियों के खिलाफ कोई अच्छी कार्रवाई की है तो आपको प्रमोशन दे देते, लेकिन अभी ये प्रमोशन बंद हो रखे हैं दोस्तों। क्या पता आगे आ जाए तो मतलब प्रमोशन ऐसे मिल जाए, तो उस हिसाब से आप 1 स्टार ज़्यादा भी लग जाता है, 3 स्टार हो सकते हैं। लेकिन 2 स्टार अगर आप 32 से 33 साल सर्विस करते हो और अपने आप को फिट रखते हो, हर एक बार मेडिकल फिट रहते हो, तो आपको 2 स्टार मिल ही जाते हैं दोस्तों। तो आप बताइए आपको कैसी लगी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी है जानकारी दोस्तों तो ज़रूर वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक करिए, और क्या जानकारी चाहते हो इसके बारे में कमेंट ज़रूर करिए ताकि मैं अगला वीडियो बना सकूँ दोस्तों। जय जय भारत।